अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से ही होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ पहले से। दवाई से आराम है मुझको, और कुछ घर पे रात में रुक गई थी तो उससे भी मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। तो गाइस, आज है सैटरडे नाइट और हम लोगों ने बहुत दिन बाद प्लान बनाया है। पहले हम लोग हर सैटरडे को यही सब करते थे, लेकिन इस बार बहुत दिन बाद प्लान बनाया क्योंकि सभी लोग बिजी थे अपनी अपनी लाइफ में। तो बहुत दिन बाद मतलब इस तरीके से सुकून वाला सैटरडे आया है। तो गाइस, हम सैटरडे नाइट इंजॉय करेंगे इस बार इंशाल्लाह। तो मैं पापा के घर पे जा रही हूँ। सैटरडे नाइट का मतलब है कि आज है मूवी नाइट। हम लोग सारी रात मूवी देखेंगे सब लोग एक साथ। बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारा खाना पीना, मस्ती, मज़ा, बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से हमने सैटरडे नाइट नहीं है, तो ये फर्स्ट सैटरडे नाइट हमारी पड़ रही है जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किए। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं ऐसा हो नहीं सकती हूँ कि मैं इतने दिन बाद हमारी मूवी नाइट का हमने प्लान किया है तो मैं उसे शूट में नहीं लूँगी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ शूट में लूँ। तो गाइस मैं जा रही हूँ घर पे और मैंने पहना है अपना पिंक सूट, और मैंने ये सूट पहना है 3 साल बाद। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, मैंने 3 साल बाद ये सूट पहना है जब मेरे पास जैन भी नहीं थे और उस टाइम पे इसकी फिटिंग बहुत ही प्यारी आ रही थी। तो गाइज मेरे वेट लूज का जो पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं, मैं और दानिश दोनों यूज़ कर रहे हैं, घर में कुछ और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहा है वो पाउडर। तो ये मेरी पिछली फिटिंग है और बहुत अच्छे से ये मेरी पिछली फिटिंग में ये सूट मेरे वापस से आ गया है। तो सबसे पहले हमारा पाउडर काम कर रहा है या नहीं कपड़ों से ही पता चलेगा। तो गाइज काम कर रहा है बहुत अच्छे से। तो गाइज मैं वापस से पुरानी वाली फिटिंग पर पहुँच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज हमारा पाउडर प्रोसेस में है, बहुत जल्दी ही हम लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह। आप सबकी दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज मैं पापा के घर पे जा रही हूँ क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह मैं रात का वहीं पर ही शूट करूँगी जो भी हम मज़े करने वाले हैं। अभी तो कुछ प्लान नहीं किया, बस यही है कि आज मूवी नाइट है, अदरवाइज़ वहाँ जाकर देखती हूँ मैं कि खाने पीने का क्या इंतज़ाम है। तो गाइज देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग, रात में मिलते हैं आगे। जैद दावर के सेटअप बन चुके हैं बिल्कुल बेहतरीन। सही है ना, सही बैठो कंफर्टेबल। और यहाँ जैन का सेटअप और यहाँ दानिश का सेटअप और वहाँ हमारी एलईडी, और टाइम हो रहा है 12, और भैया कर रहा है इंतजाम पानी दूध हर एक चीज का, और वो जो पन्नी है वो है हमारे वेफर्स की। तो गाइस यहाँ मूवी स्टार्ट हो गई है, और मूवी स्टार्ट होते ही जैन का रोना शुरू हो गया, तो मैं जैन को फीड करा रही थी क्योंकि जैन बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और मैं दानिश को दिखा रही थी कि इतने दिन से मैं खुश नहीं हो रही थी ना, मेरी तबीयत सही नहीं थी इस वजह से। तो गाइस ये है पूरी फैमिली टाइम, और पापा सो गए थे क्योंकि पापा सुबह जल्दी उठते हैं, और यहाँ पर जैद दावर अपने फेवरेट्स वेफर्स खा रहे हैं जो ये दोनों खुद लेकर आए थे। और गाइस ये जो मीठे वाले जो ये पूरी टाइप रखे हुए हैं ये दानिश को बहुत ज़्यादा पसंद है, और भैया को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और दब्बू को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जैन सो नहीं रहे थे क्योंकि उनको भी साथ में मूवी देखनी थी, और सभी लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे गाइस। तो हमने मूवी 12 बजे लगाई थी और हम 3 बजे तक फ्री हो गए थे मूवी से। उसके बाद हमारी बहुत सारी बातें हुई, और मैं इस वक्त में मैं शूट भी क्या कर पाती क्योंकि अंधेरा इतना हो रहा था और मूवी का इतने ज़्यादा तेज़ साउंड हो रहा था। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं कुछ बेहतर शूट कर पाऊँ, और यहाँ जैद दावर बहुत मज़ों से अपने स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस मैं घर से आ गई हूं और बच्चे सो रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी शक्ल बन रही है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा आदत है रात में उठ उठ के दूध पीता है। और ये रहा मेरा बच्चा जैद, और इसकी चोंच देखो जरा। गंदा बच्चा। और बस सारी रात दानिश और मैं ऐसे ही बच्चों को ठीक करते रहते हैं, और मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और मैं यही रही। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि बच्चे सो गए हैं, और
मैं आई हूँ बाहर, बच्चों को सुलाया मैंने जल्दी से, उन्हें दूध दूध पिलाया, तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और सुबह के बज रहे हैं 5, बल्कि 5 से भी ऊपर टाइम हो रहा है। तो गाइज बस जल्दी से मैं अपनी सोने की तैयारी करती हूँ, दानिश भी लेट गए हैं और मैं जल्दी से अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही ऐसा हो रहा है, मेरा मस्कारा भी ना अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हो गया था। तो गाइज आज की सैटरडे नाइट हमारी बहुत अच्छी गई, हमने बहुत दिन बाद इस तरीके से मज़े किए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से खाया पिया, चाय टाइम और सबसे मेन चीज़ रूहअफ़ज़ा का दूध रात में, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो गाइज आज की जो नाइट थी वो बहुत अच्छी गई और घर से आए हुए मुझे बहुत देर हो गई क्योंकि मैं बच्चों को सुला रही थी, इसलिए मैं कोई शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन्हें टाइम से सुलाना भी है, क्योंकि फिर कल संडे है और कल मुझे बहुत सारे काम है घर पे, और वो क्या काम है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ दुआ करना मेरी तबीयत के लिए। पहले से थोड़ी सी बेहतर है लेकिन अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है क्योंकि वो एनर्जी है नहीं अभी मेरी आवाज़ में। और अल्लाह हाफिज़।